Hey friends, I'm Namrata Dagra. Hope you're doing perfectly fine. So the topic we're going to discuss in this video is chapter number 4 of the book Beehive for class 9th with the title A Truly Beautiful Mind. So friends, this chapter contains a very, very well-renowned personality, a great personality rather, with the name Albert Einstein. Albert Einstein ki hum baat karne wale hain is chapter mein. Sort of biography कह सकते हो आप इस chapter को. So guys, if we talk about the title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, क्यों रखा गया होगा इसका title ये, A Truly Beautiful Mind, कि एक scientist का mind किस तरह से हम beautiful कह सकते हैं, क्या logic हुआ इसके पीछे. तो इसका logic आपको chapter के end में पता चलेगा, जब आप इसकी story सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये टाइटल क्यों रखा गया होगा और क्यों ये एक्यूरेट है बिल्कुल. तो चलिए स्टोरी देखते हैं. तो उनका जो जन्म है, बोर्न, ही वॉज बोर्न ऑन 14th of March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. तो जर्मनी में उल्म नाम की सिटी में उनका जन्म हुआ था 14th of March 1879 को, राइट. और जब उनका जन्म हुआ था तो उनका हेड जो था, उनका जो सिर था, वो बहुत बड़ा था. मतलब एवरेज जो बच्चों का सिर होता है उससे कुछ ज़्यादा बड़ा था वो. तो उनकी माँ को लगता था कि वो क्रेज़ी है, मीन्स ही इज़ एन अबनॉर्मल चाइल्ड, जिसको जल्दी से कुछ समझ में ना आए, वो ऐसा सोचती थी उसके बारे में उसकी माँ, राइट. और 2.5 साल की उम्र तक वो बिल्कुल नहीं बोलता था, ही वॉज रेटिसेंट ऑल द टाइम. बट जब उसने बोलना सीखा 2.5 साल के बाद, तो वो हर शब्द को 2 बार बोलता था. और उसके जो प्लेमेट्स थे, जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे, वो हमेशा उसको बोरिंग कहते थे और उसका नाम रखा हुआ था ब्रदर बोरिंग. ब्रदर बोरिंग बोलते थे उसको. तो आइंस्टाइन के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे अपने आप के साथ ही खेलना पड़ता. ही हैड टू प्ले बाय हिमसेल्फ ओनली. बचपन से ही उसको मैथमेटिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे, फिज़िक्स और मैथ्स में उसका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था. और उसके जो हेडमास्टर थे, मींस जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, उन्होंने भी आइंस्टाइन के फादर से बोला कि योर चाइल्ड इज़ अ स्टूपिड एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, ही इज़ जस्ट ऑफ नो यूज़. वो किसी काम का नहीं है, नालायक है बिल्कुल, कुछ नहीं कर सकता है ज़िंदगी में, ऐसा बोला था उसके प्रिंसिपल ने. लेकिन आइंस्टाइन ने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया, सबको गलत प्रूव कर दिया उसने. जब वो 6 साल का था तो उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, तो उसने वायलिन सीखना शुरू किया और जो वो बहुत ही माहिर हो गया था उसको बजाने में. आइंस्टाइन एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था. वो म्यूनिक नाम की जगह में हाई स्कूल में जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था और बिल्कुल भी उसको स्कूल पसंद नहीं था, ज़रा भी पसंद नहीं था. म्यूनिक के स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उसको ज़रा भी पसंद नहीं था, इसलिए जब वो 15 साल का हुआ तो उसने वो स्कूल छोड़ दिया. उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट की और ये सिटी म्यूनिक से कहीं ज़्यादा लिबरल थी, कहीं ज़्यादा फ्रीडम थी यहाँ पर उसको. और उसने अपनी हायर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से कम्प्लीट की और वहीं पर उसको एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर क्रिएचर मिल जाती है, मिलेवा मेरिक, जिससे वो प्यार करने लग जाता है और एक दूसरे को वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. उसके बाद 1900 में वो ग्रेजुएट हो जाता है और जब तक उसकी एज होती है 21, लेकिन स्टिल ही इज़ अनएम्प्लॉयड, उसके पास जॉब नहीं है, इसीलिए उसको टीचिंग असिस्टेंट की जॉब करनी पड़ती है और प्राइवेट लेसन्स दिया करता था वो. फाइनली बर्न नाम की जगह पे पेटेंट ऑफिस में उसको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल जाती है 1902 में. अब वहीं पर रहते हुए वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हुए ही सीक्रेटली वो अपने आइडियाज़ डेवलप करता है और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करता है. उसकी जो ड्रॉअर होती है, वो अपने ड्रॉअर को कहता है ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स की. और 1905 में उसके फेमस पेपर्स में से एक था स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस पे वो सीक्रेटली काम कर रहा था
और उसने साथ ही साथ मास एंड एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाला एक फेमस फॉर्मूला दिया था जिसको सभी जानते हैं, ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसीलिए आइंस्टाइन फिज़िक्स की द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाता था, और सिर्फ वही था जो सॉल्व कर पाता था, और कोई कर भी नहीं पाता था। लेकिन उसके जो प्राइवेट लाइफ थी वो कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रही थी, क्योंकि मिलेवा से वो शादी करना चाहता था, वही जो लड़की उसको स्विट्ज़रलैंड में मिली थी, बट उसकी मदर ने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसने वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद 1903 में उन लोगों ने शादी कर ली फाइनली, और 1903 में उन्होंने फिर शादी कर ली और दो बेटे हुए उनके। बट अनफॉर्चुनेटली द मैरिज डिडंट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा लंबी नहीं चली उनकी मैरिज, एंड दे हैड टू स्प्लिट, क्योंकि मिलेवा जो है वो अनहैप्पी हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थी, मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी, तो इसलिए उन लोगों को फाइनली 1919 में उन्हें डाइवोर्स लेना पड़ा, दे हैड टू स्प्लिट। उसके बाद आइंस्टाइन ने सेम ईयर में 1919 में ही एल्सा नाम की अपने एक कज़िन से शादी कर ली, राइट। 1915 के अंदर आइंस्टाइन ने अपना पेपर पब्लिश करवाया जिसका नाम था जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी इस पेपर की वजह से, और उसको आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स भी मिला था, और पूरे वर्ल्ड में उसको हर जगह पे सम्मानित किया गया था, राइट। 1919 में जो सूर्य ग्रहण लगा था, सोलर एक्लिप्स लगा था 1919 में, उस टाइम उसकी जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बिल्कुल सही साबित हुई थी, और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ही वॉज ट्रीटेड एज अ सेलिब्रिटी एवरीवेयर। जब 1933 में जर्मनी में नाजीज पावर में आए ना, तब फिर आइंस्टाइन ने माइग्रेट किया यूएसए में और वहाँ की ही सिटीजनशिप ले ली, और वहाँ 5 साल के बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, और अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि नाजीज जो हैं वो एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे और से उनको खतरा हो सकता है, तो इसलिए आइंस्टाइन ने क्या किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा, और उसमें उसने बताया कि एटॉमिक बॉम्ब से कितना बड़ा खतरा हो सकता है पूरे देश को, कितना खतरनाक होता है, उसके बारे में आइंस्टाइन ने उस लेटर में अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताया। और उसने ये भी मेंशन किया कि एक सिंगल एटम, मतलब एटम कहते हैं अणु को, अंश को, कि एक सिंगल एटम भी बहुत ज़्यादा विनाश फैला सकता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है एक सिंगल एटम भी, और जब एक पूरा बॉम्ब बन जाएगा तो फिर देखो कितना विनाश हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और उसके वर्ड्स में दम था। तो अमेरिकन्स ने क्या किया इसके रिस्पांस में, सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करके और एटॉमिक बॉम्ब को बना लिया, डेवलप कर लिया, और अगस्त 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बॉम्ब गिरा दिया, जिसका रिज़ल्ट वो लोग आज तक भी भुगत रहे हैं। बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था वहाँ पे, और आज तक भी वहाँ के लोग जो हैं वो लूले लंगड़े और पता नहीं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं, आज तक भी वो उसका विनाश झेल रहे हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल है। 1945 की बात है, इंडिपेंडेंस से भी 2 साल पहले। और आइंस्टाइन को जब इस डिस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी डिस्ट्रक्शन की हद के बारे में पता चला कि इस हद तक एटम बॉम्ब ने डिस्ट्रक्शन फैला दिया है, तो वो कम्प्लीटली शॉक हो गया, एकदम से कांप गया वो ये सब देख के, और उसने फिर यूनाइटेड नेशंस को एक बड़ा सा लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि आप वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए,
मतलब पूरे विश्व की एक ही सरकार हो, ऐसा उसने प्रपोज्ड किया यूनाइटेड नेशंस को। वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का भी एक मकसद था कि अगर विश्व की एक ही सरकार होगी, पूरे वर्ल्ड की एक ही सरकार होगी, तो सारी जो कंट्रीज़ हैं, पूरे सारे जो देश हैं, वो एक सुप्रीम पावर के अंडर काम करेंगे। और जब सारा वर्ल्ड एक होगा तो कोई एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, तो सब ये डिस्ट्रक्शन भी बंद हो जाएगा। लेकिन उसके लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसी के ऊपर भी, उसके इस लेटर को इग्नोर कर दिया गया। तो फिर आइंस्टाइन ने खुद से ही एक मुहिम चलाई और हथियारों को बनाने के विरुद्ध भी एक आंदोलन शुरू कर दिया कि अब से हम हथियार बनाने वालों का साथ नहीं देंगे। और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, यानी कि उसका जो फेम था, वो सब लोगों के बीच में जो पॉपुलर था, उसने इस चीज़ का यूज़ किया पूरे विश्व में शांति और प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जो कि अभी इंडिया में है, राइट। 1955 में, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गई। और उन्हें आज भी एक विजनरी कहते हैं, दूरदर्शी, जो आगे की सोच कर चले, वर्ल्ड सिटीज़न, पूरे विश्व का नागरिक। वो किसी एक देश का नागरिक नहीं, पूरे वर्ल्ड का नागरिक था, सबके बारे में सोचता था, इसलिए वो वर्ल्ड सिटीज़न है। और एक साइंटिफिक जीनियस, साइंस की फील्ड में वो जीनियस था, इसलिए उसे साइंटिफिक जीनियस भी कहा जाता है। तो आज उसे एक विजनरी, वर्ल्ड सिटीज़न और साइंटिफिक जीनियस के रूप में याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यू सी कितना एक्यूरेट है ये टाइटल। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसका टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों रखा गया होगा, क्योंकि वो सही मायने में सच में ब्यूटीफुल माइंड था, क्योंकि वो सब लोगों के बारे में सोचते थे, सबकी सेवा की भावना रखते हुए वो काम करते थे, खुद फेमस थे और अपनी इस फेम का फ़ायदा भी उन्होंने लोगों के लिए ही उठाया, लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए और उन्हें नॉन वायलेंस के पाथ पर चलाने के लिए उन्होंने अपनी इस फेम का यूज़ किया। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, जिनके नक्शे कदम पर हम सबको चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंस्पिरेशन भी इससे बहुत मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।